आप मेरी सभी वीडियो अन अकेडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर निशा राज सर्च करेंगे तो मेरी और भी वीडियो देख सकेंगे जो कि आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। तो आइए देखते हैं अब समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित कुछ सवाल। इसके पहले की एक वीडियो मैंने दे रखी है, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि असमान भुजाओं की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो तो बराबर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। अब मान लिया जाए कि ये है आपका समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब मैंने कल ही बताया था आपको पिछले वीडियो में कि इसका मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो और तीसरी भुजा हो गई ये। इसका क्षेत्रफल आपको एरिया दिया गया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और असमान भुजा यानी कि ये वाली भुजा का माप दिया गया है 2 सेंटीमीटर। इसे आप ए ए मान लीजिए या फिर एक्स एक्स जो भी आपको मानना है उसे आप मान लीजिए। तो कहता है बराबर भुजाओं की लंबाई निकालिए। सबसे पहले जो आपको क्षेत्रफल दिया गया है उस फॉर्मूले को लगाइए। क्षेत्रफल होता है b/4√4a² - b² जहां की a ये है और b ये बेस इसका। अब आइए ये फॉर्मूला बराबर कितना हो गया, ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है, b का मान दिया गया है 2, तो हमने लिखा 2/4√4 a का मान तो a ही स्क्वायर है और b का मान कितना दिया गया है 2 का स्क्वायर = 4। 2 से इसे कट कर दीजिए और क्रॉस में इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4a² - 4 = ये क्रॉस में जाके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये इसका जो रूट था सेकेंड स्टेप में, इसके रूट को आप इस साइड करेंगे तो 8 पे क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। अब 4a² - 4 = 64 हो गया। अब आइए 4 को आप यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं तो 4 को जब आप कॉमन करेंगे तो बच जाएगा आपका a² - 1 ओके एंड 64। अब आप इसे 4 से कट कर सकते हैं तो a² = यहाँ पे कितने बार में ये कट जाएगा 16 बार में, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो a² = हो गया 17। a का मान क्या हो जाएगा √17। तो a क्या आपको निकालना था, बराबर भुजा की लंबाई, तो बराबर भुजा की लंबाई कितनी हो गई a, तो a बराबर कितना हो गया √17, यही हो गया आंसर। आप यहाँ से एक और तरीके से, ये तो हो गया आप कॉमन लेके, कॉमन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो इस 4 को आप इस साइड कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा जो कि हो जाएगा आपका 68। उसके बाद फिर से कट कर दे तो भी आपका कितना आ जाएगा 17 ही आ जाएगा। तो दोनों में से आपको जो सुविधा लगे आप उस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षेत्रफल निकालें। समद्विबाहु समकोण मतलब समद्विबाहु त्रिभुज तो है लेकिन क्या है, ये समकोण त्रिभुज है यानी यहाँ 90 डिग्री का बनेगा, ये भुजा और ये भुजा आपका इक्वल होगा। कर्ण की लंबाई यानी कि ये जो दिया गया है h, ये 5 सेंटीमीटर दी गई है तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको इन दोनों का लंबाई निकालना होगा। तो आप निकाले, ये आपका कर्ण है, हम लोगों ने पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ओके। h² = p² + b² अब इसे हमने मान लिया x या a, आपको जो मानना है आप उसे मान सकते हैं। तो ये 5 का होल स्क्वायर कर दिया हमने, ये x² और प्लस ये x² ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2x² ओके। x² = कितना हो जाएगा 25, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये आ गया x² का मान। जब ये समद्विबाहु रहता है और ये समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु में भी ये समकोण त्रिभुज हो, तब इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं,
आपने देखा होगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, तो आधार भी सेम ऊंचाई भी सेम, यानी कि कह सकते हैं कि हाफ इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, तो हाफ हो गया, एक्स स्क्वायर का मान आपके पास दिया गया है 25/2, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, फिर से इसमें समकोण त्रिभुज जिसकी कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री दी गई है। अब कहता है भुजा ए सी तथा ए बी पर दो समबाहु त्रिभुज ए सी डी तथा ए बी ई खींचे गए हैं। त्रिभुज ए बी ई तथा ए सी डी के क्षेत्रफल का रेशियो आपको निकालना है। सबसे पहले हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ओके, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज और ये क्या है, समद्विबाहु है ए बी सी, क्योंकि आपका कोण बी पे क्या था, 90 डिग्री था। अब इसमें आपसे ये कहा गया कि इसमें से ए बी और ए सी पर दो समबाहु त्रिभुज बनाया गया। ए सी पर क्या बनाया गया, तो ए सी डी बनाया गया है। अब इस पे आपको बनाना है ए सी डी, सम क्या होना चाहिए, समबाहु, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, यानी ये भुजा और ये भुजा तीनों इक्वल हो जाएगा ए सी डी। ओके, और अब क्या है यहाँ पे आपका कि दूसरा जो है ए बी पी बन, ए बी पे बनेगा कौन, ए बी ई। तो चलिए इस पे बना देते हैं एक त्रिभुज ए बी और ई, यानी कि इसमें ये और ये भुजा तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ई हमने इसे नाम दे दिया। ओके, अब कहता है कि त्रिभुज ए बी ई ये वाला और त्रिभुज ए सी डी ये वाला दोनों का क्षेत्रफल का रेशियो, तो सबसे पहले हमें मानना होगा कोई भी, और ये आपका समद्विबाहु और समकोण है तो ये भुजा आपका इक्वल हो जाएगा। तो कुछ भी हम मान लेते हैं इसे, इसे हमने मान लिया ए, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। जब ये ए और ये ए, तो ये तीनों भी बराबर है, तो ये भी ए और ये भी ए। एंड अब आपको इसका विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अगर आपको याद है तो इसे आप सीधा ए रूट टू लिख सकते हैं, नहीं तो मैं यहां बता देती हूँ, ए सी इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2a का स्क्वायर। जब इसे हम निकालेंगे तो a रूट टू आ जाएगा, यानी a रूट टू ये आ गया, ये भी a रूट टू और ये भी a रूट टू, तीनों चूंकि इक्वल है। अब त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल और इस टू त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, दोनों का रेशियो निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा इसका ए ए है तो ए स्क्वायर कर दिया हमने, फिर रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी ए रूट टू का होल स्क्वायर, ये और ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया है ए स्क्वायर और इसे जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या आ गया 1:2, यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 4 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये दोनों भुजा अगर बराबर है, ओके, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो आप इसे x और इसे x मान लीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, x√2, आप इसे निकाल के देख सकते हैं। अब परिमाप क्या होता है हमारा, तीनों भुजाओं का योग, तो हम तीनों को जोड़ देते हैं, x + x + x√2 इक्वल टू कितना दिया गया है आपका परिमाप, 4√2 + 4। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2x + x√2 = 4√2 + 4, इसमें आप x को कॉमन ले लें तो बच जाएगा 2 + √2, इसमें से 4 को कॉमन ले लें तो √2 + 1 हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या हो गया, 4√2 + 1 बाय ये इधर डिवाइड हो जाएगा 2 + √2। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं इसे कि 4√2 + 1 इस √2 + 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2
मल्टीप्लाई रूट टू प्लस वन, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसे फिर से तोड़ के देखें तो आपका ये इतना ही आ जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गया आपका, कैंसिल, यानी कि x का जो मान था वो क्या आ गया, फोर बाय रूट टू, और आपका जो ये विकर्ण का लंबाई कितना दिया गया था, x रूट टू, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा x रूट टू, यानी कि x का मान रूट टू हमने रखा और फोर बाय रूट टू रखा, तो ये हो जाएगा आपका ये कट और ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या, फोर सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक बराबर भुजा आधार का 5/6 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, ये हमने बना दिया सबसे पहले फिगर ए बी और सी, मान लिया जाए ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, ओके। अब कहा गया कि प्रत्येक बराबर भुजा ये दोनों आधार का, आधार कौन सा है, ये इसके लिए बी आधार है, आधार का 5/6 है, तो आधार को ही आप मान लीजिए 6x, इसलिए क्योंकि मैंने बहुत बार मैथ जब आप लोगों को बताया है तो मैंने बताया कि जब भी इस टाइप का रहे बटे में इसका इतना भाग, तो उसे आप ऐसा डिजिट मानिए जो ये हर वाले से कम्प्लीटली कट जाए। आप इसे 12 भी मान सकते हैं, 18 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं जो कि 6 से आपका कम्प्लीटली कट जाए, तो हमने 6x ही से माना। तो ये हो गया आपका क्या, इक्वल वाला भुजा। अब इक्वल वाले भुजा के लिए क्या कहा गया कि आधार का 5/6, यानी आधार को 6x हमने माना, तो इसका जो है 5/6 कितना हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली हो जाएगा ये 5x, ये जब 5x तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 5x। अब आपके पास परिमाप दिया गया है, तो चलिए परिमाप बराबर परिमाप कर लेते हैं हम, तो तीनों को ऐड कर लीजिए, 5x 5x प्लस 6x इक्वल टू 544, 5 5 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16x इक्वल टू 544। ये जब आप इसे काटेंगे तो x कितने टाइम में कट जाएगा, ये 34 टाइम में कट जाएगा, x का मान आपको आ गया। क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय फोर रूट अंडर 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब जब आप इसे x का मान पुट करेंगे तो ये तीनों भुजाओं का मान मालूम हो जाएगा, लेकिन चूंकि 34 बहुत ज्यादा डिजिट अमाउंट है ये, और आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा डिजिट हो जाएगा और स्क्वायर करने में आपको प्रॉब्लम होगा, तो हम इसे यूं ही रहने देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं x मान के ही। तो चलिए, b का मान हमने क्या माना था, 6x बाय 4 कर लिया हमने, 4 ए स्क्वायर का मान कितना है आपका 5x, ए का मान तो 5x का कर दिया होल स्क्वायर, बी का मान 6x का होल स्क्वायर। अब इसे आप कट भी कर सकते हैं 2 से, तो 3x बाय हो गया 2। अब x का मान यहाँ पुट कर सकते हैं आप बाद में। अब यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो जाएगा 100x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 30x स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे आप x का मान पुट कर दीजिए 34 बाय 2 इंटू, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64x स्क्वायर, 2 से इसे कट कर दीजिए आप 17 टाइम में, यहाँ हो जाएगा 51 और मल्टीप्लाई ये निकल जाएगा आपका किसका, 8x का। अब 51 मल्टीप्लाई एक्स मल्टी सॉरी 8 मल्टीप्लाई एक्स का मान आप रख दीजिए 34, ये थोड़ा आपको इजी पड़ेगा, तो 13872 13872 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका क्षेत्रफल आंसर। तो आई थिंक कि आज का वीडियो आप सबों को बहुत ही पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक करें और कमेंट भी करें ताकि मैं इसकी और भी आगे की वीडियो बना सकूं, और तब तक के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।